उमरिया जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की 22 जुलाई से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज जिला मुख्यालय में रैली निकालकर ज्ञापन दिया। संघ के अध्यक्षों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं अधिकारियों ने कहा कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इनके द्वारा शासन से अपनी लंबित मांगों का पूरा करने के लिए पूर्व में भी 2 बार सामूहिक अवकाश लेकर धरना दिया गया और ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ बैठक बेनतीजा होने के चलते सभी लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण सारा कामकाज ठप हो गया। पंचायत कर्मचारियों का कहना है कि शासन स्तर से उनकी कई मांगे लंबे अंतराल से लंबित हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं कर रहे, जिसके चलते पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 15 कर्मचारी संघ ने संयुक्त रूप से मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं अधिकारी संघ की अध्यक्ष कामना त्रिपाठी ने सरकार की ईंट से ईंट बजा देने की बात की। गौरतलब है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चे के हड़ताल पर जाने से प्रदेश के मजदूरों के बेरोजगार होने के साथ सारे विकास कार्य भी ठप हो गए। मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये बताना चाहूँगी कि ये हमारी चेतावनी है सरकार को, और आज हमने शक्ति प्रदर्शन के लिए ये ज्ञापन सौंपा है सरकार को, क्योंकि पिछले 7 दिनों से लगातार हम लोग हड़ताल पे हैं और सरकार जो है कान में रुई लगा के बैठी हुई है, वो बिल्कुल ही हमारी मांगों को सुन नहीं रही है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम कर्मचारी सरकार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं अगर वो हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।